पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ जो राजनीतिक संगठन है वो भी रास्ते पर आ गए हैं, और इसको लेकर के जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो 24 तारीख को एक नगर निगम का घेराव करने की तैयारी में जुटा हुआ है। लगातार जिस प्रकार जो यहाँ पर खाली सेवाएं हो रही हैं उसी के प्रतिवाद में जो बेरोजगार जो लोग पड़े हुए हैं उनको किस प्रकार से सरकार व्यवस्था करेगी, विभिन्न मांग को लेकर, चार सूत्री मांग को लेकर के फॉरवर्ड ब्लॉक समर्थन 24 सितंबर को महानगर पालिका का घेराव करने को लेकर के एक तरफ जुटे हुए, वहीं पर जो तृणमूल कांग्रेस है वो भी इसी के विवाद में, वो केंद्र सरकार को लेकर प्रतिवाद मिचिल पर उतरी हुई है, और एक कई पार्टियां लगातार सभी अपने अपने प्रचार के कार्य में जुटे हुए हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के तरफ से आने वाले 24 तारीख को कॉर्पोरेशन ऑफिस में डिप्यूटेशन देते हुए हम लोग घेराव करेंगे। हम लोगों का चार मांग है। पहला, जो हमारे कलकत्ता के अंदर जितने भी होकर्स भाई हैं उनका परिचय पत्र मिले, उनको लाइसेंस दिया जाए। नंबर दो, जितने भी बेकार जो अभी युवक युवतियाँ हैं जिनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा है नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों के वजह से, उनको जब तक नौकरी प्राप्त ना हो उसके लिए हर महीना 6,000 रुपया मिले। नंबर तीन, आज जिस तरह से हम लोग 26,000 कॉरपोरेशन में रिक्त जो जगह खाली है, जितने भी बेकार लड़के हैं, युवक हैं, युवतियां हैं पढ़ी लिखी, उनको नौकरी दिया जाए। यही मांग को देखते हुए हम लोग जो आपको कलकत्ता कॉरपोरेशन घेराव करेंगे। आज 23 नंबर वार्ड में हम लोग एक्स एमएलए जीवन प्रकाश शाह, आपको सुदीप बनर्जी, गणेश राम, मुख्तार आलम, मोहम्मद इरफान, ओमजी तुलसान, हरिचरण शंकर, आज हम लोग उनके नेतृत्व में आज हम लोग बांसला मोड़ पर एक पद सभा किए हैं, और यहाँ से हर वार्ड में हम लोग पद सभा कर रहे हैं। राज्यव्यापी 24 तारीख को पूरे राज्य स्तर पर, जिले जिले पर ये जो डेपुटेशन दिया जाएगा,